अनुज ने मालती देवी को फिर किया फेल, मगर कब तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। किसी कैरेक्टर का डाउनफॉल देखना हो इतनी जल्दी इतनी स्पीड में, तो वो है मालती देवी। मालती देवी जब से दा मालती देवी नहीं रही, तब से मालती देवी क्या बन गई, ये हम आजकल इस धारावाहिक में देख रहे हैं। मगर अनुज जिस तरह अपनी अनुपमा को मालती देवी के इन बुरे इरादों से बचा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। मगर कब तक, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बड़ी हैरानी होती है ये सब सुनने के बाद, जो छोटी छोटी घरेलू चीजें होती हैं जिन पे घरेलू माहौल में लड़ाइयां होती हैं, सास बहू की लड़ाई, आपस में समधन समधन की लड़ाई, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी लड़ाई का माहौल बनाती हैं। और मालती देवी जो कभी फैमिली में रही ही नहीं, शादी हुई, बच्चा हुआ, घर छोड़ दिया, अकेले पूरा जीवन जिया, इस उम्र तक अकेले जीवन जिया, और उस सब को पाया जो उन्होंने चाहा, वो मुकाम, वो नाम, फेम, पैसा, सब कुछ पाया, और फिर वो पैसा सब चला भी गया। और वो जाने के बाद मालती देवी बीमार भी होगी, मालती देवी ठीक भी होगी, और मालती देवी ठीक क्या हुई, मालती देवी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मालती देवी अनुज की मां बनने आई थी, मगर अनुपमा की सास बन रही है, ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। मालती देवी छोटे से छोटा मौका नहीं छोड़ रही है जिसमें अनुज के मन में अनुपमा के प्रति थोड़ी भी नफरत पैदा कर पाए, या अनुज को यह जतलाए कि अनुपमा को अपने घर की पड़ी ही नहीं है। अगर अनुपमा को अपने घर की नहीं पड़ी होती तो अनुज क्यों अनुपमा से इतना प्यार करते। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनसाइड अनुपमा क्या है वो जानते हैं, कि अनुपमा चाह के भी किसी का नुकसान नहीं कर सकती, अपना कर सकती है मगर दूसरे का नहीं कर सकती। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब बार बार लगातार ये जो चीजें हैं पड़ती रहती है एक इंसान के अंदर, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी गुस्से में ही सही इंसान एक बार तो रिवर्ट बैक कर ही देता है, एक बार तो अनुपमा को टोक भी सकता है अनुज, क्योंकि मालती देवी कंटिन्यूसली इस चीज को लेके बैठी हुई है। आज की कड़ी में भी उन्होंने बिना मतलब बिना कुछ जाने ये बात बोल दी जो हम सब ने सुना, कि मुझसे पूछ लेती मैं भी बता देती। आप कैसे बता देती भाई, आपको इन फंक्शंस की जो है अहमियत ही नहीं पता है। आप सबको याद होगा कि मालती देवी ने क्या कहा था जब ये अनुपमा से मिली थी, जब अनुपमा ने समर की शादी पे इनवाइट करने के लिए बात कही थी, अनुपमा ने छुट्टियां ली थी अपने बेटे की शादी के लिए, तो मालती देवी ने कहा था कि मैं ऐसे किसी फंक्शन में नहीं जाती हूं, मैं कभी जाती ही नहीं हूं, मेरे इसमें है ही नहीं, मैं नहीं जाती इन फंक्शन में। कारण कुछ भी हो, आप उसे अवॉइड करना चाहती हो, जो भी है, मगर इतने सालों के गैप के बाद आप इन फंक्शंस में आ रही हो और आपको कैसे ये जानकारी होगी कि ये सब में क्या होता है। अनुपमा तो इन्हीं फंक्शंस में बड़ी हुई है, इन्हीं फंक्शंस को तब से कर रही है, बड़ी होके भी दादी बनके भी यही सब कर रही है। तो मालती देवी किस बात को लेके अपना हक जमा रही है, मुझे ये नहीं समझ में आता। या तो बिल्कुल दिमाग से पैदल है मालती देवी, क्योंकि यहां पे उसको अनुज का प्यार पाना है, ना कि अनुपमा से अनुज को दूर करना है। मुझे तो इसका ऑब्जेक्टिव ही समझ में नहीं आ रहा। या सच में बीमारी का इतना असर है कि उसको यही चीज नहीं समझ में आ रही, जबकि इतनी चालाक मालती देवी है, इसको पता है कि कैसे अनुपमा के बच्चों को उससे दूर करना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने हैं, सब कुछ पता है, तो ये इतनी छोटी सी बारीक सी बात नहीं समझ में आ रही कि पहले अनुज का प्यार तो पालो, सास फिर बाद में आराम से बनती रहे ना। मगर जितना तुम अनुज के सामने अनुपमा को बुरा कहोगी उतना ही अनुज को गुस्सा आएगा। हो सकता है
एक बार अनुज रिएक्ट कर भी दे, जैसा कि मैंने कहा उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो भी जाए, मगर इनके बीच में तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं जो सॉर्ट आउट हुई है। तो मालती देवी किस खेत की मूली है? तो आज जिस तरह अनुज ने कहा कि उसने मेरे से बात की है और उसने उसको पता है उसकी क्या चॉइस है, आप थोड़ा ठंड रखिए, कहने का मतलब ये था। तो मिल गया जवाब, अनुज ने अपनी अनुपमा को फिर से बता दिया कि मेरे लिए अनुपमा क्या है और आप क्या हो। और ये अनुपमा का घर है, मालती देवी को समझना चाहिए। अनुज यही चाहता है कि ये अनुपमा का घर है और उसी का रहे, वो तो अपनी मां को मां ही नहीं मानता। मगर मां जो है, मां बनने के बावजूद, मां होने के बावजूद सास बनने में लगी हुई है। ये बड़ी अजीब कहानी है भाई, क्या इतने एफर्ट करके यहां सास बनने आई है? अनुज कपाड़िया मालती देवी के सामने ही कितनी बार ये बातें कर चुका है कि उसको पैसे का कोई लालच नहीं है। अनुज कपाड़िया जैसा इंसान तो पैसे को अहमियत देता ही नहीं है, वो रिश्तों को अहमियत देता है। पैसा तो चाहिए, वो कमाता है वो, मगर ये नहीं कि पैसों के लिए रिश्तों को छोड़ दे। मगर यहां पे तब से ये पैसा 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 कर रही है, मेरे बेटे के पैसे, मेरे बेटे के पैसे। भाई अजीब लगता है ना, आप लोगों को भी लगता होगा कि दा मालती देवी आज एक सास बनने की कोशिश कर रही है। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किसी करेक्टर में सच में नहीं देखी है। मुझे हंसी आती है कई बार ये सोच के भी, क्या सोच के ये डायलॉग बोलती है, क्या बिल्कुल दिमाग से पैदल है, हाव भाव नहीं समझती है, एक्सप्रेशन नहीं समझती है, माहौल नहीं समझती है, बस सास 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 बनने में लगी हुई है। चलिए देखते हैं कितनी देर तक ये कोशिश करती रहेगी, क्योंकि ये कोशिश तो लगातार कर रही है, एक के बाद एक ड्रॉप डाल रही है अनुज के मन में। देखते हैं कब तक करती है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.